corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तराखंड में महिलाओं और पुरुषों के बीच काम के बंटवारे के असमानता के बारे में, जो कि लिंगभेद को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ की औरतों की ऐसी परंपरा है, पहले से औरतें काम करती आ रही है, ऐसी चल रही है यहाँ की परंपरा, और बच्चों को पालती हैं। पुरुष कहाँ करते हैं, पुरुष भी करते, पर पुरुष ऐसे ज्यादा औरतों ही करते। जो कि उन्हें सुबह से शाम तक बिछोने से आंगन और आंगन से खेत तक जंगल कार्य बोझ के नीचे दबा रहे हैं, और नतीजा यह है कि महिलाएं अपने इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, वह अपना विकास भी नहीं कर पा रही हैं। खेती का काम हो गया, पानी भी दूर हो गया, अपने लिए हमें बिल्कुल भी कहीं जाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। कहता है खेतों में महिलाएं खेती करती है तो धूप से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिनसे उनके शरीर पर अनेक प्रकार की बीमारियों का हो जाता है, तो कई तरह की परेशानियां से गुजरना पड़ता है। शारीरिक परेशानियां होती है, मानसिक परेशानियां होती है, और पारिवारिक परेशानियां होती है। महिलाओं के कार्य बोझ होने के बावजूद उनके कार्य पुरुषों के बीच मान्यता या महत्व नहीं रखते। परंपरा में चला आ रहा कार्य महिला की नियति बन गया है। महिलाओं के सम्मान और उनके विकास के लिए कुछ प्रयास सरकारी विभागों में किए जा रहे हैं। राज्य सरकार में जेंडर बजट बनाकर उसका खूब प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन उनके परिणाम समाज के विचारों में इतनी जल्दी बदलाव कर दे ऐसा नहीं लगता। गैरसैंण जनपद चमोली उत्तराखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए मैं लक्ष्मी नौटियाल।